जा रही थी। मेरा खून का सिर्फ आँख में जल रहा था और मैं चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ आग आग। जल्दी बताओ उसके बाद क्या हुआ? अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी और मेरी आँख खुल गई। देखा तो मेरी अम्मी कह रही थी, उठ मोटे, 2 बजे रात तक मोबाइल देखता है, फिर 10 बजे तक सोता है और पूरी पूरी आवाज निकालता है। मौलवी साहब क्या बताऊं, ये तो एक ख्वाब है, लेकिन मुझको इससे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था कि फिल्में देखने वालों और गाने सुनने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब ये बताइए, मेरे साथ हकीकत तो नहीं है, यानी मरने के बाद ये मामला नहीं होगा? है सही साहब, आपने जो ख्वाब देखा है, पर अल्लाह का आपने जो ख्वाब देखा है ये बहुत ख्वाब नहीं बल्कि यह वाकई है, यह बिल्कुल हकीकत है मेरे भाई, कि हर इंसान को मरने के बाद इन तमाम मराहिल से गुजरना है और वही फरिश्ते जो आपने ख्वाब में देखे हैं इन्हीं को उनका नकीर कहते हैं, और यही फरिश्ते हर इंसान से वही सवाल और जवाब करते हैं जो आपसे ख्वाब में कर रहे थे। इन्हीं सवाल और जवाब के बाद इंसान की राहत और तकलीफ का फैसला कर दिया जाता है। आया अब आपके समझ शरीफ में? और हाँ, एक बात और याद रखो, इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत रखेगा मरते वक्त उसकी जबान पर वही जारी होगी। जैसा कि हर रोज आपने सुबह को अपने टेप पर गाना सुना करते थे और फिर ख्वाब में वही पर बना दिया। मौलवी साहब जरा ये बताइए, उन्होंने जो मुझसे पूछा था उसका मतलब क्या है? अरे नादान, उन्होंने मालूम किया था मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, लेकिन तुम्हारे जबान पर गाने रखे हुए थे और फिर वही जारी हो गए। हाँ जी मौलवी साहब, वाकई मेरे जबान पर एक से एक गाने रखे हुए थे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई दिल से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ, तुम मुझे बता दीजिए। भाई सही साहब, आपने जो ख्वाब देखा है पर अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह और वार्निंग है। अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है कि ए मेरे बंदे, अभी भी संभल जा, अभी भी वक्त है, और आखिरत के वास्ते कुछ नेक काम कर ले, अपनी जिंदगी की रुख बदल ले, वरना याद रख जो ख्वाब में देखा है हर एक को इन मराहिल से गुजरना है और हरे कोई मराहिल से गुजरना है, और यह भी याद रख लेना कि अब की तरह चांस नहीं मिलेगी, प्यारे आँख नहीं खुलेगी और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मौलाना साहब, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी गाने नहीं सुनूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा, मैं आहद करता हूँ कि अब अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे तमाम तकलीफ गुनाहों को माफ कर दे और जिन्नत मुस्तकीम पर बरकत फरमाए। आमीन।